सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. और इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली विल बी डिस्कसिंग परम्यूटेशन. नाउ व्हाट डज परम्यूटेशन स्टैंड फॉर? परम्यूटेशन स्टैंड फॉर अरेंजमेंट. तो हमारे को कुछ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना होगा. अब प्राइमरीली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वुड बी टू अरेंज देम इन अ रो अरेंजमेंट. पर याद है ना, सिर्फ रो अरेंजमेंट नहीं आता, वी हैव ऑल्सो सर्कुलर अरेंजमेंट एंड नेकलेस अरेंजमेंट, है ना. यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट दिस एज वी गो फॉरवर्ड. पर प्राइमरीली हम लोग रो अरेंजमेंट में अरेंज करना सीखेंगे एंड लेटर डाउन द लाइन वी विल ऑल्सो सी सर्कुलर अरेंजमेंट एंड नेकलेस अरेंजमेंट. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, सपोज वी हैव 5 स्टूडेंट्स और उन 5 स्टूडेंट्स को हमें एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, तो हम सर्कुलर अरेंजमेंट का कंसेप्ट सीखेंगे वहाँ पे. पर प्राइमरीली अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है रो अरेंजमेंट्स को डीकोड करना, कि हम किस तरह से रो अरेंजमेंट की केसेस को कर सकते हैं. याद रखिएगा पिछले लेक्चर में, इन लेक्चर नंबर 1, इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर, इन प्लीज डू गो एंड सी दैट लेक्चर, है ना, बिकॉज द कंसेप्ट्स ऑफ दैट लेक्चर लाइक फैक्टोरियल क्या होता है एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग ने कहा था कि अगर इवेंट्स के बीच में एंड आता है तो मल्टीप्लाई करना है और अगर और आता है तो प्लस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ यूटिलाइज होंगी, है ना. सो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड हम इस लेक्चर में प्राइमरीली अरेंजमेंट करना सीखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना. मेक नोट्स, आई हैव टोल्ड दिस इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, दिस इज अ चैप्टर वेयर द थ्योरी इज वेरी लेस, है ना. एलजेब्रा में होता भी ऐसा ही है, द थ्योरी इज वेरी रिलेटिवली लेस एंड वी हैव टू कीप ऑन मेकिंग नोट्स एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम आर ऑफ अ वेरीड रेंज. इसलिए हमारे नोट्स में खूब सारे, है ना, क्वेश्चन होने चाहिए सो दैट वी नो कि कौन कौन से सिनेरियोज हैं और हर सिनेरियो के लिए वी शुड हैव अ क्वेश्चन कि हमें ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, ना. तो दैट वुड एक्ट एज एन एग्जांपल. सो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज इन अ रो, कैन बी अरेंज्ड इन अ रो. अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने ये मेंशन नहीं किया है, पर लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक सेटिंग होती है कि अगर क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया तो ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो 3 स्टूडेंट्स मेंशन है, दीज ऑल 3 स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट. सो यू कैन मेक अ नोट, यू नो व्हाट इज दैट नोट, कि इफ इन द क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चन वुड बी डिस्टिंक्ट, है ना. आप उनको किसी को भी जुड़वा या किसी को भी अलाइक नहीं मान सकते कि दे आर सिमिलर इन देयर लुक्स. और दूसरी बात, क्योंकि इसने ये नहीं मेंशन किया है कि एक को अरेंज कर रहे हैं कि 2 को अरेंज कर रहे हैं, तो वी आर अरेंजिंग ऑल द स्टूडेंट्स, है ना. तो हम सारे स्टूडेंट्स को अरेंज करना है हमको, वी डोंट हैव एन ऑप्शन कि 3 में से 2 को अरेंज करना है. सो ऑल ऑफ देम आर बीइंग अरेंज्ड. तो दीज आर सम साइलेंट फीचर्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, है ना. इफ क्वेश्चन बनाने वाले को कुछ और मेंशन करना होगा तो स्पेसिफिकली कहेगा क्वेश्चन के अंदर. जैसे वो कहेगा आउट ऑफ से 5 स्टूडेंट्स 2 आर ट्विंस, तो आप उस सिनेरियो में उन ऑब्जेक्ट्स को अलाइक मानोगे. पर अंटिल अनलेस दे डू नॉट मेंशन सच थिंग्स, द ऑब्जेक्ट्स वुड बी डिस्टिंक्ट एंड ऑल ऑफ देम वुड बी गेटिंग अरेंज्ड, है ना. सो बताइए रो में हमें अरेंज करना है. सो वी हैव 3 प्लेसेस, है ना. तो हम रो बना देते हैं एक. सो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, दिस इज द मिडिल पोजीशन, दिस इज द राइट मोस्ट पोजीशन. और मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, लेट अस नेम देम, है ना. उनका नाम मान लेते हैं ए बी एंड सी. तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे भी डिस्कस किया था और पहले मैं उसी कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग से ही इस क्वेश्चन को आंसर करके बताता हूँ. सो इफ आई हैव टू अरेंज दीज 3 स्टूडेंट्स ए बी सी एट दीज 3 प्लेसेज विच आर इन अ रो, तो जो फर्स्ट प्लेस है द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, इस पे मैं किसी को बिठाऊंगा एंड देन आई विल कॉल सेकेंड वन टू सिट एट दिस प्लेस, और जो फाइनली को जो बच जाएगा थर्ड पर्सन उसको मैं यहाँ बिठा दूंगा एट द थर्ड एंड द राइट मोस्ट प्लेस. तो बताइए इफ आई गो टू द फर्स्ट प्लेस इन हाउ मेनी वेज कैन आई मेक अ स्टूडेंट सिट एट दिस प्लेस. तो आई हैव 3 ऑप्शन अवेलेबल, किसी ने भी अभी तक बैठा नहीं कोई, तो देर आर 3 आउटकम विच आर अवेलेबल हियर. एंड अब मान लीजिए मैंने ए को बैठा दिया, तो ए इज आउट ऑफ पिक्चर, सो ए यहाँ आके बैठ गया, इट्स जस्ट अ सिनेरियो. तो जो भी यहाँ पे बैठ गया होगा, नाउ फॉर द नेक्स्ट प्लेस देर आर ओनली 2 ऑप्शन विच आर अवेलेबल, है ना. तो देर आर 2 ऑप्शन विच आर अवेलेबल, सो मैंने यहाँ 2 लिख दिया क्योंकि 2 आर अवेलेबल, बी एंड सी आर अवेलेबल. मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी को बैठा दिया, तो सी इज ऑल्सो आउट ऑफ पिक्चर. नाउ एट द लास्ट प्लेस द राइट मोस्ट प्लेस दैट्स द ओनली प्लेस दैट इज लेफ्ट, एक ही स्टूडेंट बचा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसको वहीं बैठना होगा. सो एंड एट द लास्ट प्लेस आई विल ओनली हैव 1 ऑप्शन, द रिमेनिंग लास्ट स्टूडेंट बी टू सिट. तो देयर बी से दिस इज द बी हु इज सिटिंग. बताइए जो 3 इवेंट्स हैं इनके बीच में एंड आया है, और हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग में देख रखा है कि अगर इवेंट्स के बीच में एंड आता है तो
तो उन आउटकम्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सो आई गेट एन आंसर 3 × 2 × 1 एंड देयर विल बी अ टोटल ऑफ 6 वेज, है ना. तो मेक अ नोट ऑफ दिस. सो टोटल मिलाकर हमारे पास 6 वेज होंगे. अब एक काम करते हैं, ये जो 6 वेज हैं उनको एक बार और काउंट ही कर लेते हैं कि ये 6 तरीके क्या हैं. सो मान लो आई डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट एंड आई एम जस्ट डूइंग इट बेसिक काउंटिंग वाइज. सो व्हाट आर द 6 वेज? ए बी सी वुड बी वन अरेंजमेंट, ए सी बी वुड बी द सेकेंड अरेंजमेंट, बी सी बी ए सी वुड बी द थर्ड अरेंजमेंट, बी सी ए वुड बी द फोर्थ अरेंजमेंट, सी ए बी एंड सी बी ए वुड बी द रिमेनिंग अरेंजमेंट्स. सो यू कैन सी देर आर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी अरेंजमेंट दैट आर पॉसिबल. 6 तरीके से इन्हें अरेंज किया जा सकता था. सो आई एम राइटिंग 6 वेज और इसे मैंने फॉर्मूले से भी निकाल दिया. और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में इसको पिनपॉइंट किया था कि ये तो चलो 3 ही लोग थे तो उनको आपने काउंटिंग से 6 वेज निकाल दिए, पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव बीन मोर. मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स होते तो इस तरह केसेस बना बना के तो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता, और गलती से मैं कोई एक केस मिस कर देता तब तो गलती भी हो जाती. देर वुड बी अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ एरर. सो वी डू इट बाय द फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू हैव सीन? हमारे पास क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं. सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस. सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक तरीके से ये बन गया है कि जब 3 लोग थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 3 स्टूडेंट्स वर देयर और उन्हें रो में अरेंज करना था, उन्हें रो में अरेंज करना था. वी हैड 3 स्टूडेंट्स और उनको रो में अरेंज करना था तो कितना आंसर आया था? 3 फैक्टोरियल. तो अगर 4 स्टूडेंट्स होते तो क्या होता? 4 × 3 × 2 × 1 व्हिच इज 4 फैक्टोरियल. तो द फर्स्ट फॉर्मूला यू कैन से, यू कैन राइट F1, है ना, द फर्स्ट फॉर्मूला. याद रखना कंसेप्ट तो इकलौता ही है, एक ही कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, कि अगर एंड है 2 इवेंट्स के बीच में तो मल्टीप्लाई करो उनके आउटकम्स को, और अगर और है तो प्लस करो. पर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के सिनेरियोस को डिस्कस करते हुए कुछ ऐसे आउटकम्स आएंगे जो बहुत पॉपुलर हैं, तो उन आउटकम्स को हम याद कर लेंगे. तो पहला जो आउटकम है आपके लिए वो ये है एक तरीके से कि एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड डिस्टिंक्ट, क्योंकि मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर डिस्टिंक्ट. सो एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉमा ऑल कैन बी, ऑल को भी अंडरलाइन कर दें अगर सारों को अरेंज करना है ना. एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल कैन बी अरेंज इन अ रो. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड रो ऑल्सो, क्योंकि रो अरेंजमेंट भी होना चाहिए. तो हमारे मेरे पास एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. जैसे 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे हमारे पिछले क्वेश्चन में, सभी लोगों को अरेंज करना था और किसमें करना था? रो अरेंजमेंट में. सो एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल कैन बी अरेंज इन अ रो इन एन फैक्टोरियल वेज. जैसे अगर मैं क्वेश्चन करूं इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड नाइफ कॉमा ऑल कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. क्यों मैंने कहा विद और विदाउट मीनिंग? क्योंकि नाइफ में कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड नाइफ. और वर्ड बनता कैसे है? लेटर्स के अरेंजमेंट से, जैसे नंबर्स कैसे बनते हैं डिजिट्स के अरेंजमेंट से, तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर्स के अरेंजमेंट से. सो मेरे पास एक वर्ड मैंने दिया नाइफ जिसमें 5 लेटर्स हैं, तो इन 5 लेटर्स को मुझे अरेंज करना, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है. पर याद रखना ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी, अगर कहीं ऑल नहीं भी लिखा है एंड दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग एल्स, तो एक तरीके से हमें सभी को अरेंज करना होगा. सो नाइफ में मौजूद 5 लेटर्स हैं, मुझे उन सबको अरेंज करना है और मुझे बताना है उनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ सो दैट दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि उस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग हो या ना हो. सो अगेन आई विल यूज दिस आउटकम दैट आई हैव हाइलाइटेड हियर. एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल हैव टू बी अरेंज ऑब्वियसली बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दीज लेटर्स आई विल गेट डिफरेंट वर्ड्स. तो बताइए कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 5 फैक्टोरियल वेज. मेक अ नोट ऑफ दिस. व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? इट इज 120. देयर आर 120, है ना. मैं जरा ऊपर वाला ये आउटकम मिटा दे रहा हूं. आई गेस यू हैव ऑल मेड अ नोट ऑफ दिस. अगेन एम्फसाइजिंग, नोट बनाते रहिएगा. मैथ्स में जितने नोट्स आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा जितना आप लिखेंगे, है ना. सो इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड नाइफ ऑल कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. सो 5 फैक्टोरियल आया, आंसर 120 आया. आई एम जस्ट टेलिंग यू सम ऑफ देम. मान लीजिए नाइफ है 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे? एक तो नाइफ है ही ऑलरेडी,
अगर आप सोचें कि मैं स्टार्टिंग से करना चाहता हूँ तो नाइफ में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए तो क्या आएगा, तो ई एफ ई एफ आई के एन, सो मान लीजिए दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट लेटर। मान लीजिए मैं अगर आपको आगे चल के डिक्शनरी का क्वेश्चन करवाऊंगा पर आप मुझे बताइए नाइफ में जो पांच लेटर्स हैं अगर उनको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोलूं तो जो पहला लेटर वर्ड होगा वो यही होगा ई एफ आई के एन, अगला क्या होगा ई एफ आई एन के, अगला क्या होगा ई एफ के आई एन। सो ऐसे तो मैंने सिर्फ बोर्ड पे अभी चार ही लिखे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स प्रेजेंट इन द वर्ड नाइफ एंड हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल 120 है ना। सो द आंसर वॉज 5 फैक्टोरियल और 120 वेज या 120 डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, राइट। सो लेट अस मूव और एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम कई सारे सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा जिसका नाम है स्ट्रिंग मेथड एंड गैप मेथड, है ना। और बेसिकली वो क्वेश्चन अरेंजमेंट से ही रिलेटेड होगा, सो मेक अ नोट ऑफ दैट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। द क्वेश्चन इज, लेकिन पहला द सेकेंड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस लेक्चर का, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट। अब मैं सच दैट के बाद, ये हमारा मेन क्वेश्चन हो गया, अब सच दैट के बाद कई मल्टीपल कंडीशंस डालूंगा और अभी तक हमने जो इकलौता फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सारे के सारों को अगर रो में अरेंज करना है तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल, इसका भी यूज करूंगा। तो पहला वही क्वेश्चन है, नो एडिशनल कंडीशन। नो कंडीशन का मतलब बस यही मेन क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, कुछ मेंशन नहीं है कि कोई कंडीशन एडिशनल तो दे नहीं रखी है कि भाई इस बॉय को यहाँ बैठाना है कि उस गर्ल को कहीं और बैठाना है, कोई ऐसी एडिशनल कंडीशन नहीं दे रखी है। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स को हम एक ही तरह ट्रीट कर दें, टोटल मिला के एक तरह से 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके जेंडर पे देयर इज नो बायसिंग दैट इज देयर। सो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स मेक 10 स्टूडेंट्स। सो द नाउ द न्यू क्वेश्चन वुड बी इन हाउ मेनी वेज 10 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज इन अ रो। कुछ मेंशन नहीं है तो सारों के सारे ऑल को अरेंज करना है, सभी लोगों को अरेंज करना है, तो बताइए आंसर क्या होगा 10 फैक्टोरियल, है ना। तो मेक अ नोट ऑफ दिस, द आंसर वुड बी 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और कैलकुलेट करके जरूरत नहीं है, यू कैन लीव योर आंसर एट 10 फैक्टोरियल इटसेल्फ। लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड पार्ट इज, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट राम इज एट स्टार्ट ऑफ द रो, ऐसे लिख देता हूँ, राम इज एट द स्टार्ट ऑफ द रो। अब इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए मैं क्लासरूम में आया और मेरे इस क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, और मैंने उनको भी बाहर खड़ा कर रखा है क्लासरूम के, और क्लास में मुझे उनको अरेंज करना है, तो द टास्क दैट इज गिवन टू मी कि क्लास में उनको बुलाऊं और उनको रो में अरेंज करूं। तो राम मेरे पास आता है, अभी सब बच्चे बाहर हैं, राम मेरे पास आता है और मुझसे बोलता है कि सर मैं तो ना सबसे स्टार्टिंग वाली पॉइंट पे ही बैठूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने अपने लिए क्लासरूम में ऐसे मार्किंग्स बना रखी हैं कि मैं यहाँ पे इन 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करूंगा। बट हुआ क्या, देयर इज एन एडिशनल कंडीशन दैट इज इन्वॉल्व नाउ। पहले देयर वाज नो एडिशनल कंडीशन, किसी के नखरे नहीं थे, पर इस बार राम के नखरे हैं। राम ने क्या एडिशनल कंडीशन डाल दी कि आई वुड बी स्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन। तो राम मेरे पास आया तो मैंने बोला राम एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं बाकी बच्चों को बैठाऊं तुम जाके स्टार्टिंग पॉइंट में बैठ ही जाओ। तो ये मैंने आर लिख दिया, आर का मतलब राम आके यहाँ बैठ गया। तो इसका मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन आई फिल द फर्स्ट द लेफ्ट मोस्ट और द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द रो ओनली इन वन वे, कि मुझे राम को ही बैठाना है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? याद रखना फॉर्मूला एन फैक्टोरियल का लगाना इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव तो यह है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग को ही अप्लाई करना है, और अगर कहीं फॉर्मूला ओरिएंटेड पार्ट आ जाएगा तो वहां पे हम एन फैक्टोरियल लिख देंगे। पर अभी राम की एक एडिशनल कंडीशन थी, सो आई गेस यू वुड हैव ऑल इमेजिन कि राम मेरे पास आया, उसने बोला कि सर आई विल बी स्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द रो। तो मैंने बोला तुम सबसे पहली जगह पे जाके बैठ जाओ, तो मुझे पहली जगह पे बैठाने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुझे राम को ही बैठाना है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल एंड दैट इज राम। अब बताओ बचे कितनी सीट्स नाउ एंड, है ना, इसके बाद जब मैंने राम को बैठा दिया होगा तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अब बचे 9 प्लेसेस और आउट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स 5 बॉयज 5 गर्ल्स, राम ऑलरेडी आके बैठ चुका है तो बाहर कितने स्टूडेंट्स रह गए होंगे 9। सो एट दीज 9 प्लेसेस आई हैव टू अरेंज द रिमेनिंग 9 स्टूडेंट्स,
So what is the formula? I can directly use the formula. Ki, if there are 9 places and I have to arrange all the 9 distinct students standing outside, तो कितने तरीके से उनको अरेंज कर सकता हूँ? 9 factorial. तो यहाँ पे आएगा 1 और इन सारे जगहों के लिए आएगा 9 factorial. और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी लगाना तो आप इस तरह भी कर सकते थे कि अगली जगह के लिए 9 ऑप्शंस हैं क्योंकि देयर आर 9 स्टूडेंट्स हु आर अवेलेबल, देन 8, देन 7 एंड सो ऑन, और लास्ट में आता 1, एंड अगेन दैट वुड हैव गिवन द आंसर एज 9 फैक्टोरियल. सो व्हाट इज द आंसर दैट आई आई विल गेट? पहली लोकेशन के लिए 1 एंड बाकी जगहों के लिए कितने लोग हैं? 9 वेज, 9 फैक्टोरियल वेज. तो द आंसर वुड बी 9 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ दिस. लेट अस इंक्रीज द कंडीशंस. मैं सिनेरियो चेंज करते रहता हूँ. तो पहला कंडीशन, जो पहला सिनेरियो, तो बहुत सिंपल था जहाँ पे कोई एडिशनल कंडीशन नहीं थी. 10 स्टूडेंट्स थे, उनको मुझे रो में अरेंज करना था. व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? कि मुझे राम को पहली लोकेशन में बिठाना था. तो मैंने क्या किया, जिसके भी नखड़े हैं राम के थे उनको, उसको बैठा दिया वहां पर. सो द फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था कि राम बैठ जाए वहां पर. और बचे हुए 9 प्लेसेस को कितने तरीके से अरेंज करवा सकता था मैं? 9 फैक्टोरियल वेज. याद रखना इन क्वेश्चंस में, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट देयर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड वेरी रेगुलरली एंड दैट वर्ड इज परम्यूट. परम्यूट, तो कभी परम्यूट वर्ड भी आ जाए तो समझ जाना वो अरेंजमेंट ही है ना. तो इन द रिमेनिंग 9 प्लेसेस, इन हाउ मेनी वेज आई कैन परम्यूट द रिमेनिंग 9 स्टूडेंट्स? 9 फैक्टोरियल वेज, है ना. तो आंसर आया 1 इंटू 9 फैक्टोरियल. और मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि पहली जगह पे बैठाने के बाद एंड रिमेनिंग जगहों पे बैठाने के लिए मैं प्रयास करूंगा. तो लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम क्वेश्चन, है ना, और पार्ट्स देखते हैं इसके ऊपर. लेकिन थर्ड पार्ट आएगा, सब हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों पार्ट्स ने आपको बेसिक आइडिया दे दिया होगा. राम इज एट स्टार्ट एंड श्याम इज एट लास्ट. सो उन 5 बॉयज में से एक बॉय का नाम राम है और एक बॉय का नाम श्याम है. तो अब क्या हुआ, मेरे पास 10 लोकेशंस तो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लोकेशंस तो हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि अब दो लोगों के नखड़े हैं, किसके? राम के और श्याम के. सो राम और श्याम मेरे पास आए, उन्होंने बोला, राम ने बोला, सर मैं तो स्टार्टिंग में बैठूंगा, बताओ फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए आई हैव ओनली 1 ऑप्शन, राम को बैठा दूं. तो देयर इज ओनली 1 ऑप्शन, राम बैठ जाए. और फिर श्याम ने ही बोला, एंड है ना यहाँ पे, तो श्याम ने ही बोल दिया कि सर मैं लास्ट पोजीशन बैठूंगा, तो लास्ट पोजीशन को भी फिल करने के लिए देयर इज ओनली 1 ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, कि आई विल मेक श्याम सिट एट दैट प्लेस. अब बताइए बची कितनी जगह? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देयर आर 8 प्लेसेस लेफ्ट एंड देयर आर 8 स्टूडेंट्स हु हैव नो एडिशनल कंडीशन, वो कहीं भी बैठ सकते हैं. तो बताइए 1 × 1 एंड द नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी कि मैं इन 8 जगहों पे 8 लोगों को अरेंज करूं. तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल वेज. फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन अ रो इन हाउ मेनी वेज? एंड फैक्टोरियल वेज. तो 8 स्टूडेंट्स हैं. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 1 पहली लोकेशन का इनटू 1. सो पहली जगह पे मैंने राम को बैठाया, देयर इज ओनली 1 वे अवेलेबल. लास्ट प्लेस पे मैंने श्याम को बैठाया, देयर इज ओनली 1 वे अवेलेबल. एंड इन द रिमेनिंग प्लेसेस आई हैव मेड द रिमेनिंग 8 स्टूडेंट्स स्टैंड. द आंसर वुड बी इनटू 8 फैक्टोरियल. फाइनल आंसर वुड बी 8 फैक्टोरियल वेज. इज इट ओके? सो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कैसे कैसे हम एडिशनल कंडीशंस के भरते हुए हम चीजों को अप्लाई कर रहे हैं. तो लेट अस टेक अनदर केस. अब ये जो अगला केस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. सो आई गेस इट्स द फोर्थ केस. फोर्थ केस है, राम इज एट एक्सट्रीम्स. जो लोग यही समझ नहीं पाते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब है कि एक लाइन होती है उसकी दो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक स्टार्टिंग एक पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट. तो एक्सट्रीम्स हो गए ना उसके एंड्स, तो एंड्स भी लिख सकते हैं, राम इज एट द एंड्स, है ना. पर द राइट वर्ड टू बी यूज वुड बी एक्सट्रीम ओनली. तो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करता हूँ. पहले थोड़ा सा स्मार्टली करें और फिर पहले स्मार्टर तरीके से करेंगे और फिर उससे ओवर स्मार्ट तरीके से करेंगे, है ना. तो देखते हैं पहला तरीका क्या. तो मेरे पास राम आया, सो देर आर 10 स्टूडेंट्स, उनको मुझे रो में अरेंज करना है. मेरे पास राम आया, उसने बोला कि सर आई ओनली स्टैंड एट द एक्सट्रीम्स. तो मैंने बोला देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम या तो राम तुम पहली जगह पे बैठ जाओ, या फिर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या तो राम तुम लास्ट पोजिशन में बैठ जाओ. कैन यू सी देर इज एन और इन बिटवीन? वाई इज देर एन और? देर इज एन ऑप्शन, या तो राम पहली जगह पे बैठेगा या तो राम लास्ट प्लेस पे आएगा. तो जिसके नखड़े मैंने उसको पहले बुला लिया, मैंने बोला राम कम इन साइड द क्लास, वेर डू वॉन्ट टू सिट? तो ही इज थिंकिंग या तो मैं पहली जगह पे बैठूं या फिर मैं लास्ट प्लेस पे बैठूं. तो एट द फर्स्ट प्लेस
बैठ सकता है राम या फिर लास्ट प्लेस पे बैठ सकता है. तो अगर राम पहली जगह पे बैठ गया तो पहली जगह पे फिल करने के देर इज ओनली वन वे कि राम बैठ जाए, और इसी तरह यहाँ पे भी देर इज ओनली वन वे. अब राम के अलावा तो देर इज नो अदर ऑप्शन दैट इज अवेलेबल. तो बताइए राम के अलावा तो देर इज नो अदर इनफैक्ट कंडीशन ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स. तो बची हुई नौ जगहों पे बचे हुए बच्चे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 9 factorial. इस तरह यहाँ भी 9 places में बच्चे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 9 factorial. बट बिकॉज देर इज एन और एंड वी हैव रेड दिस इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग कि अगर और आता तो हम क्या करते हैं एड, तो द आंसर वुड बी 9 factorial + 9 factorial विच इज 2 × 9 factorial है ना. ये दो सीनेरियोज थे, दो केसेस थे. केस नंबर वन मैं यहां लिख देता हूं, केस नंबर वन राम वुड बी एट द स्टार्ट, केस नंबर वन राम इज एट स्टार्ट एंड केस नंबर टू राम इज एट द लास्ट. और इन दोनों ही सिनेरियोज में राम इज एट द एक्सट्रीम्स. सो ऐसे दो सिनेरियोज थे और फिर 9 factorial हो गया, 9 factorial + 9 factorial कर दिया. चलो ये तो तभी भी लेंदी प्रोसेस है, मैं और अच्छी तरह कर देता हूँ इसको है ना, और स्मूथली और शॉर्ट में कर देता हूँ. यही आंसर 2 × 9 factorial वुड कम मच मोर इजियर. लेट मी नॉट ड्रॉ प्लेसेज, मैं प्लेसेज बना ही नहीं रहा हूँ. अब मैं सीधा फॉर्मूला ओरिएंटेड सोचता हूँ. मैं सोचूंगा मेरे पास 10 places हैं. अब इन 10 places में से सबसे पहले मेरे पास राम आया तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पहला इवेंट है कि मैं राम को बैठाऊँ. तो राम को बैठाने के लिए कितने अवेलेबल प्लेसेज होंगे, दो. क्यों हैं दो, क्योंकि राम या तो पहली जगह पे बैठेगा या फिर लास्ट प्लेस पे बैठेगा. तो राम को बैठाने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो राम मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मैं आई विल बी सिटिंग एट द एक्सट्रीम. मैंने सोचा हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, आई हैव टू ऑप्शंस, ईदर ही विल स्टैंड एट द फर्स्ट प्लेस और द लास्ट प्लेस एंड मल्टीप्लाई. अब बचे कितने लोग, राम को बैठाने के बाद 9 लोग बच गए. उन्हें रो में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 9 factorial. तो आप देख सकते हो अगेन द आंसर कम्स आउट टू बी 2 × 9 factorial. तो इधर यू कैन हैव डन इट बाय द फर्स्ट मेथड जहां पे आप केसेस बनाकर दो अलग अलग केसेस बनाकर उन्हें ऐड कर सकते हो, या यू कैन थिंक बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स. जैसे मैंने राम के पॉइंट ऑफ व्यू सुना, सोचा कि राम को पहले बैठाना है तो उसके लिए दो ऑप्शन है एंड बचे हुए बच्चों को बैठाना है, उनके लिए कोई एडिशनल कंडीशन नहीं, इसलिए 9 factorial वेज में अरेंज हो सकते हैं. सो यू कैन, यू शुड मेक अ नोट ऑफ दिस. ठीक है, लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. So I guess this is the fifth part now. अब fifth part में बड़ी अजीब सी एक condition add हो जाएगी और इसे आप highlight कर लेना. क्यों highlight कर लेना, अपने notes में लिख लो. अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको string method भी कहते हैं, क्योंकि इस condition को पूरा करने के लिए हम एक रस्सी का, एक string का सहारा लेने वाले हैं. देखते हैं क्या है. वही question है, 5 boys and 5 girls have to be arranged in a row such that Ram and Shyam आर टुगेदर. मतलब राम और श्याम जहां भी हो, साथ में हो, सटे हो. मतलब अगर मैं राम यहां है तो या तो श्याम उसके लेफ्ट में होगा या तो उसके राइट में होगा, है ना. दीज आर द ओनली टू ऑप्शन विच आर अवेलेबल. बहुत ही बढ़िया केस है. और देखो इसको कैसे करेंगे, मेक अ नोट ऑफ दिस. क्या बोलते हैं इसको, कौन से मेथड से करने वाला हूं इसको, स्ट्रिंग मेथड. मैं लिख भी देता हूं इस मेथड को फेमसली क्या कहते हैं, स्ट्रिंग मेथड. जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की इसमें एक रस्सी का यूज करने वाले हैं. सो मेरे पास राम और श्याम आए, मैं क्लास में हूँ, आई एम बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग दीज स्टूडेंट्स इन अ रो. तो राम और श्याम मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर हम दोनों ना साथ में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे साथ में ही जाएंगे. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हें मैं रस्सी से बांध देता हूँ, तो तुम लोग जहाँ जाओगे साथ में जाओगे, है ना, यू विल बी टुगेदर वेर एवर यू गो. तो राम और श्याम को मैंने रस्सी से बांधने के लिए बुला लिया कि मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा, और रस्सी से बांधने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़ा सा एक गाउन पहना दूंगा तुमको. तो यू सबको ऐसा लगेगा कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है ना. सो मैंने बोला राम और श्याम तुम आओ, तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा और तुमको एक गाउन पहना दूंगा, और तुम्हें बाहर से लोगों को लगेगा देयर इज ओनली वन बिग फैट लेडी हु इज स्टैंडिंग हियर, है ना, तो यू विल बी काउंटेड एज वन. तो मैंने राम और श्याम को बुलाया. अब देखो ध्यान से देखना, वट इज माई फर्स्ट इवेंट, आई हैव कॉल्ड राम एंड श्याम, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ राम एंड श्याम कंडीशन. तो राम और श्याम अंदर आए, मैंने बोला खड़े हो जाओ सट के, है ना, स्टैंड टुगेदर. तो जब वो खड़े हुए तो उन्होंने बोला कि सर अब साथ में खड़े होंगे तो उसके भी तो तरीके हैं. मैंने बोला क्यों, या तो राम श्याम खड़े हो सकते हैं या श्याम राम खड़े हो सकते हैं, या तो दिस इज पॉसिबल और दिस इज पॉसिबल. तो बताओ क्या हुआ, दो लोगों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 factorial वेज. समझ में आएगी नहीं है. पहले मेरा एक्टिविटी क्या है कि मैं अब राम और शाम को सटा के खड़े कर दूं, तो राम और शाम जब साथ में खड़े होने वाले होंगे तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन स्टैंड टुगेदर, 2 factorial वेज. 2 factorial वैसे 2 होता है, 2 factorial वेज क्यों, क्योंकि
जो फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल उसी को यूज किया है टू फैक्टोरियल वेज, और वो टू फैक्टोरियल टू क्यों है, या तो राम श्याम होगा या फिर श्याम राम होगा, ठीक है। अब मान लो राम श्याम इस तरह खड़े हो गए, राम पहले खड़े हो गए और श्याम बाद में खड़े हो गए। अब मैंने इनको रस्सी से बांध दिया और जैसे मैंने कहा था इनके ऊपर मैंने गाउन बना दिया इनको, सो नाउ दे विल बी काउंटेड एज वन ऑब्जेक्ट, दैट इज द ट्रिक। अभी जहां जाएंगे सट के जाएंगे, ऐसे ऐसे साथ साथ सटे सटे चल रहे होंगे, ठीक है। सो नाउ राम एंड श्याम वुड गो टुगेदर, नाउ राम श्याम मिलकर एक हो गए प्लस, अब बताओ राम और श्याम की कंडीशन मैंने पूरी कर दी, तो 10 में से दो लोग आ चुके थे मेरे पास, अब रिमेनिंग कितने लोग बचे, 8। सो राम एंड श्याम हैव नाउ बिकम वन ऑब्जेक्ट प्लस 8, टोटल मिलाकर अब मेरे पास हो गए 9 ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स को मैं अरेंज करूंगा और जहां पे भी ये बिग फैट लेडी जाएगी राम और श्याम, वो लोग साथ में जाएंगे, उसके बाद उनका गाउन खोल दूंगा, रस्सी खोल दूंगा, तो जहां भी वो होंगे राम और श्याम टुगेदर होंगे। तो बताइए 1 + 8 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इन 9 ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल वेज। तो दिस इज माय आंसर, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग फैक्टोरियल 2 इनटू 9 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर। मैं एक सिनेरियो समझा देता हूँ, पर पहले आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द सिनेरियो जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। सो आई एम अरेंजिंग दिस, सो क्या क्या हमने स्ट्रिंग मेथड में, पहले 2 फैक्टोरियल वेज में यहाँ साइड में लिख रहा हूँ हमारा आंसर क्या है, 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल या 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, राम श्याम को बुलाया और उनको रस्सी से बांध दिया, तभी स्ट्रिंग मेथड का उनको एक बना दिया, उनको एक बनाते समय इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज, 2 फैक्टोरियल राम श्याम या फिर श्याम राम, इनको फिर मैंने एक गाउन बना दिया और वो एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। और कितने स्टूडेंट्स बच गए थे बाहर, 8, क्योंकि 2 तो आ गए, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7, स्टूडेंट 8। तो 8 तो ये स्टूडेंट ही हो गए और एक ये राम श्याम की जोड़ी हो गई, तो नाउ दे विल बी काउंटेड एज 1 एंड दीज आर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी, 8, तो 1 + 8 टोटल ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, 9। वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे, 9 फैक्टोरियल, तो मैंने इनटू 2 इनटू 9 फैक्टोरियल कर दिया, मान लो, है ना। मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूँ, आंसर तो हमारा आ गया कि दिस कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वेज, पर लेकिन उसके आगे की कहानी क्या देखना ध्यान से। मान लो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ, S1 आ गया, फिर S3 आ गया, फिर S2 आ गया, और फिर राम श्याम की यहाँ पे जोड़ी आ गई, ये बिग फैट लेडी, और फिर स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5, स्टूडेंट नंबर 6, स्टूडेंट नंबर 7 और स्टूडेंट नंबर 8। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 फैक्टोरियल बनाता है कि मैंने 9 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज किया, एंड दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स। अब मैं क्या करूँगा, राम श्याम के ऊपर का गाउन हटा दूंगा और राम श्याम की रस्सी भी खोल दूंगा। तो देखो ना, मैंने स्मार्टली सोचा, 10 लोग हैं, ये 10 लोग इतने तरीके से अरेंज भी हो गए और राम और श्याम जहां भी रहे साथ में रहे, है ना। और मैंने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो राम श्याम की करस्पॉन्डिंग एक और केस होगा श्याम राम, वो भी मैंने काउंट कर लिया 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी दैट यू हैव टू फॉलो फॉर स्ट्रिंग मेथड। जिन जिन को साथ में रखना है उनको रस्सी से बांध दो, है ना, उनको बांधते समय इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड, उतने फैक्टोरियल, और फिर उनको एक ऑब्जेक्ट मानते हुए बाकी लोगों के साथ रो अरेंजमेंट कर दो, 9 फैक्टोरियल एंड द आंसर वुड कम, है ना। लेट अस टेक अनदर सिनेरियो जिससे ये कांसेप्ट स्ट्रिंग मेथड को और स्ट्रांग हो जाएगा आपके पास। लेट अस टेक अनदर स्टूडेंट जिसके नखड़े हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट सिनेरियो, 5th, 6th हो गया, राम श्याम एंड घनश्याम, है ना, बड़े 90s के नाम है पर लेकिन तब भी आप लिख लें राम श्याम एंड घनश्याम आर टुगेदर। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली पूरा। In how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a row such that Ram, Shyam, Ghanshyam are together, है ना। तो मैंने राम श्याम और घनश्याम को बुलाया कि बेटा आ गया हो, तुम लोगों को साथ में रहना ना, बहुत यार आना है तुम्हारा, तो तुम आओ, मैं तुम्हें रस्सी से बांधता हूँ। तो राम श्याम घनश्याम आए, मैंने उनको रस्सी से बांधना चालू किया, पर उनको बांधते समय ये 3 लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, द सेम फॉर्मूला, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन अ रो इन एन फैक्टोरियल वेज, तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए। अब ये मिलकर एक हो गए, है ना, बहुत ही मोटी आंटी बना दी मैंने गाउन बनाकर, पर नाउ दीज आर 1 प्लस, ये तो एक हो गए प्लस, 10 में से 3 लोगों का मैंने जो नखड़े था वो पूरा कर दिया साथ में रहने का इन 3 फैक्टोरियल वेज। अभी एक ऑब्जेक्ट बन गए, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे और बाद में फिर इनका गाउन हटा दूंगा, तो जहां भी ये सब पूरी दुनिया का क्या नजर आएगा, राम श्याम घनश्याम टुगेदर। अब 10 में से 3 लोग तो हो गए, बचे कितने लोग, 7 लोग, तो वो अभी आ गए अब क्लासरूम के अंदर, तो 1 + 7 अब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स। Now these 8 objects can be arranged in how many ways? 8 factorial. Therefore the answer would be 3 factorial into 8 factorial.
है ना। आप ये मत सोचो कि अभी आप एक सब्जेक्टिव पेपर में इसको लिखोगे ऐसे, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए। चैप्टर है ही ऐसा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कुछ है सब दिमाग में चल रहा होता है। ऑल दी कैलकुलेशन इज हैपनिंग इन योर माइंड, यू जस्ट राइटिंग सम नंबर्स, है ना। तो व्हाट हैज हैपेंड, पहले आपने थ्री फैक्टोरियल वेज में किसको अरेंज किया, राम श्याम एंड घनश्याम आर, है ना, टाइड टुगेदर इन हाउ मेनी वेज, थ्री फैक्टोरियल वेज, देन दे हैव बिकम वन ऑब्जेक्ट, देन द रिमेनिंग सेवन पीपल केम, द रिमेनिंग सेवन स्टूडेंट्स केम, 1+7 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनको भी तो अरेंज करना ही है, तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सो लेट अस टेक अनदर कंडीशन, द नेक्स्ट कंडीशन इज राम इज जस्ट बिफोर श्याम। बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, एक एक कंडीशन को हाईलाइट कर लेना, याद रखना इन सारे सिनेरियोस को एज इट इज का एज इट इज हम किसी और क्वेश्चन में लगा देंगे। अभी जैसे फाइव बॉयज फाइव गर्ल्स हैं, थोड़ी देर बाद वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स आ जाएंगे इनकी जगहों पे, या कोई रेड कलर बॉल्स एंड येलो कलर बॉल्स आ जाएंगे, और ये कंडीशन एज इट इज के एज इट इज होगी। याद रखना स्ट्रिंग मेथड कब लगाते हैं, जब कुछ पर्टिकुलर लोगों को हमें साथ में रखना है। तो बताइए राम इज जस्ट बिफोर श्याम का मतलब क्या है, आर राम एंड श्याम टुगेदर, यस राम एंड श्याम आर टुगेदर, पर लेकिन देयर इज एन एडिशनल कंडीशन, एंड व्हाट इज दैट एडिशनल कंडीशन, कि राम इज जस्ट बिफोर श्याम। तो जब मैंने उनको रस्सी से बांधना चालू किया, तो राम और श्याम को जब मैंने रस्सी से बांधा, है ना, राम और श्याम को जब रस्सी से बांधा मैंने, तो राम इज एट द स्टार्ट, क्यों एट द स्टार्ट, क्योंकि राम इज जस्ट बिफोर श्याम। तो इनको बांधते समय देयर इज ओनली वन वे विच इज पॉसिबल, कि राम पहले हो और श्याम बाद में हो, ये बंध कर एक हो गए, प्लस नाउ दर टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 हैव ऑलरेडी गॉन, बचे 8, तो वन क्यों लिखा मैंने, पिछली बार 2 फैक्टोरियल था, क्योंकि राम और श्याम को अरेंज किया जा सकता था, पर अब तो ऑर्डर इज प्री डिफाइंड, राम हैज टू बी बिफोर श्याम। तो एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं रस्सी बांधते समय, है ना, स्ट्रिंग मेथड में एक ही तरीके से उनको बांधा जा सकता है, कि राम पहले और श्याम बाद में हो। तो 1 प्लस ये 8 क्यों, क्योंकि राम और श्याम के अलावा 8 स्टूडेंट्स और हैं, तो देर आर 9 ऑब्जेक्ट्स नाउ, सो इनटू 9 फैक्टोरियल, द आंसर वुड कम आउट टू बी 9 फैक्टोरियल। हां, तो मेक अ नोट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ नेक्स्ट पार्ट इनफैक्ट वो है, राम In how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a row such that Ram and Shyam are not together. Now please underline the word not together, क्योंकि ये अलग केस है एक तरीके से। आप मुझे सोच के बताइए, टुगेदर रखने के लिए तो हमने स्ट्रिंग मेथड सीख लिया, पर यहाँ पे तो हमें साथ में रखना ही नहीं, हमें उन्हें अलग रखना है। तो इसके लिए कोई अलग से कोई मेथड नहीं है कि हमने भाई स्ट्रिंग मेथड लगाया था तो अब उनको रिपेल करने का भी कोई तरीका हो, नहीं। जब भी किसी सेलेक्ट दो लोगों को साथ में नहीं रखना है तो उसका एक ही तरीका है, नॉट टुगेदर के केसेस निकालने के लिए आप कुछ ना करें, टोटल नंबर ऑफ केसेस में से, टोटल केसेस मतलब नो कंडीशंस वाले केसेस में से, वो केसेस माइनस कर दीजिए व्हेन टुगेदर। सिंपल सा केस है, अगर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस में से, है ना, 10 स्टूडेंट्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो अगर टोटल 10 जितने भी तरीके अवेलेबल है उनमें से आप वो तरीके हटा दो, है ना, ऑल दोज वेज जिनमें राम एंड श्याम आर टुगेदर, तो बचे हुए केसेस में राम एंड श्याम वुड नॉट बी टुगेदर। अब मुझे बताइए, द सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, राम एंड श्याम नॉट टुगेदर। अब बताइए व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, लुक इन योर नोट्स, द फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था, देयर वाज नो एडिशनल कंडीशन, क्या था कि 5 बॉयज 5 गर्ल्स हैव टू बी ट्रीटेड लाइक 10 स्टूडेंट्स, बताइए 10 स्टूडेंट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, माइनस व्हेन हुआ टुगेदर, माइनस वो केसेस व्हेन राम एंड श्याम आर टुगेदर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस में से मैं वो केसेस माइनस कर दूं जब राम श्याम टुगेदर हैं, तो बचे हुए केसेस में राम श्याम वुड नॉट बी टुगेदर, तो देयरफॉर दिस इज 10 फैक्टोरियल माइनस, ये भी हम पुराने क्वेश्चंस में कर चुके हैं, पर अब तो बहुत तेजी से करें, राम श्याम को टुगेदर रखना है तो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, राम श्याम, श्याम राम, और वेव मिलकर एक हो जाएंगे, तो राम श्याम मिलकर एक हो गए, 8 और लोग हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स टोटल मिलाकर हो जाएंगे, तो 9 फैक्टोरियल, है ना, तो दिस वुड बी योर आंसर। अब इसको करने के लिए आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल को मिल सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा इनमें से, और 10 माइनस 2 क्या जाएगा 8, तो यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन, बट दैट्स नॉट द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, द मेन पॉइंट इज हाउ यू आर एबल टू एनालाइज कि कौन सा सिनेरियो में हम कौन सी चीज लगा सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक अनदर केस, है ना, नेक्स्ट केस, दिस वाज द 8th केस, 9th केस। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे सिनेरियोज देख लिए, दिखा दिए, और आपने ये देखा है कि कैसे हम एक साथ में रखने के लिए स्ट्रिंग मेथड करते हैं, ना, इस क्वेश्चन का एक हाईलाइट जो था वो स्ट्रिंग मेथड था, है ना। सो द नेक्स्ट केस इज
नेक्स्ट केस इज ऑल बॉयज आर टुगेदर. तो व्हाट इज द कंडीशन नाउ कि सारे बॉयज एक साथ होने चाहिए. तो फाइव बॉयज हैं, फाइव गर्ल्स हैं. अब सारे बॉयज को हमें एक साथ रखना है तो क्या करूं. जैसे मैंने राम श्याम को रखा था, मैंने सारे बॉयज को साथ बुला लिया. सारे बॉयज आ गए तो द बॉयज हैव कम, बॉय वन, बॉय टू, बॉय थ्री, बॉय फोर और बॉय फाइव. अब मैं इनको साथ में रखने के लिए स्ट्रिंग से बांधने वाला हूँ. तो जब इनको मैं रस्सी से बांधने जाऊंगा तो इन हाउ मेनी वेज दे देमसेल्फ कैन बी अरेंज विद इन देमसेल्फ बिफोर टाइम, है ना. सो एक तरीका ये है, या ऐसा हो सकता है बॉय फाइव पहले आ जाए, बॉय वन बाद में चले जाए. तो दे देमसेल्फ कैन बी अरेंज टुगेदर इन हाउ मेनी वेज, फाइव फैक्टोरियल वेज. अब ये बंद कर एक हो गए, दीज आर वन वन ऑब्जेक्ट, दे विल बी ट्रीटेड एज वन ऑब्जेक्ट वेयर एवर दे गो, दे विल गो टुगेदर. प्लस ये तो बॉयज की बात हुई पर पांच गर्ल्स भी तो हैं जिन्हें रो में अरेंज करना है, तो वो एडिशनल पांच गर्ल्स और आ गई. तो वन प्लस फाइव है ना, दीज आर फॉर द फाइव गर्ल्स. सो वन प्लस फाइव देर विल बी अ टोटल ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स नाउ, सिक्स ऑब्जेक्ट्स. दिस इज अ बिग ऑब्जेक्ट, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे. तो सिक्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन रो, इन अ रो इन हाउ मेनी वेज, सिक्स फैक्टोरियल वेज. सो द फाइनल आंसर वुड बी फाइव फैक्टोरियल इनटू सिक्स फैक्टोरियल. है वेरी नाइस क्वेश्चन, जहां पर हमें सारे बॉयज को साथ में रखा है. लेट अस टेक अनदर केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्ट्रिंग मेथड का, इसलिए मैं इतने सारे सिनेरियोज ले रहा हूं. वॉट इफ ऑल बॉयज आर टूगेदर, लड़के तो साथ में हो ही हो, एंड ऑल गर्ल्स आर टूगेदर, यू हैव टू कीप द गर्ल्स ऑल्सो टूगेदर. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ स्ट्रिंग मेथड. तो पहले आपने पांचों बॉयज को बुलाया, उनको रस्सी से बांधा, दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, फाइव फैक्टोरियल वेज. तो फर्स्ट यू कॉल्ड द बॉयज, सारे पांचों बॉयज आ गए, उनको आपने रस्सी से बांधते समय, स्ट्रिंग से बांधते समय, उनको बांधने से पहले कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फाइव फैक्टोरियल एंड तो मल्टीप्लाई. फिर आपने पांचों गर्ल्स को बुलाया, उनको भी रस्सी से बांधा, वाई आर यू टाइंग देम, बिकॉज द गर्ल्स हैव टू बी ऑल्सो टुगेदर. तो वो भी फाइव फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं. अब ये पांच बॉयज एक ऑब्जेक्ट बन गए और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो पांच गर्ल्स हैं वो मिलकर एक ऑब्जेक्ट हो गए. तो वन प्लस वन टोटल ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आ देना, टू ऑब्जेक्ट्स. अब इन्हें भी तो रो में अरेंज करना है, तो बताइए दिस इज फॉर व्हाट, फाइव बॉयज टुगेदर, दिस इज फॉर फाइव गर्ल्स टुगेदर. ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, टोटल मिलाकर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए. दो ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज होते हैं, टू फैक्टोरियल, क्योंकि रो में तो अरेंज करना ही. तो फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल विच इज टू. इसको आप टू इंटू फाइव फैक्टोरियल का स्क्वायर भी लिख सकते हो. एग्जैक्टली, तो मेक अ नोट ऑफ दिस टिल टेन. आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी और पार्ट्स हैं. मैं एक ही फाइव बॉयज और फाइव गर्ल्स के अंदर आई विल बी टेकिंग सो मेनी सिनेरियोस कि अगली बार से आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो, चाहे उसमें बॉयज और गर्ल्स ना भी हो, बट द थॉट प्रोसेस वुड बी वेरी सिमिलर. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सिनेरियो. अब जो सिनेरियो है, द इलेवेंथ सिनेरियो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. अब मैं चाहता हूं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट का मतलब मालूम ही होगा, एक के बाद एक, पहले एक बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक गर्ल. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें केसेस बनाना पड़ेगा. मान लो आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, आई हैव बीन अरेंजिंग द 10 स्टूडेंट्स. तो मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आएगा कि बिफोर आई कॉल देम लेट अस सी कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं. तो केस नंबर वन, मैं ना, मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, है ना. तो ये दस जो जगह हैं उनके लिए मैं डिफाइन करूंगा कि कहाँ पे बॉयज बैठेंगे और कहाँ पे गर्ल्स बैठेंगे. तो पहला सिनेरियो कि मैं सबसे पहले बॉय को बैठाऊँ, फिर बॉयज यहाँ बैठेंगे और जो गर्ल्स होंगी वो कहाँ बैठेंगे, द गर्ल्स वुड बी सिटिंग हियर. सो व्हाट आई हैव डन, अभी मैंने स्टूडेंट्स को बुलाया नहीं है, उनके आने से पहले मैं एक रो में कौन कौन सी स्पेसेस पे बॉयज बैठेंगे और कौन कौन सी स्पेसेस पे गर्ल्स बैठेंगे वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है. तो आई हैव आइडेंटिफाई फाइव प्लेसेस जहां पे बॉयज आके बैठेंगे. कौन सा बॉय कहां बैठेगा वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, पर ये बोला कि इन जगहों पे बॉयज बैठेंगे. द ऑड प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, है ना, सेवंथ प्लेस, नाइन्थ प्लेस, इन पे बॉयज बैठेंगे. और इवन प्लेसेस पे कौन बैठेंगे, गर्ल्स बैठेंगे. तो बताइए, अब मैंने बॉयज को बुलाया, मैंने बोला आओ, तुम्हारे लिए मैंने सीट तो डिफाइन कर दी है कि तुम्हें यहां बैठना है इन जगहों पे जहां पे लाल से बी लिखा हुआ है. बट देर आर फाइव बॉयज एंड फाइव प्लेसेस, यहाँ पे उनको अरेंज भी तो करना होगा. जैसे यहाँ पे बॉय वन बैठे, यहाँ बॉय थ्री बैठे, यहाँ पे बॉय फोर बैठे, यहाँ बॉय टू और यहाँ बॉय वन, या वॉट एवर हूएवर इज रिमेनिंग बॉय फाइव. सो पांच लोगों को, इन पांच बॉयज को इन पांच लोकेशंस में अरेंज भी तो करना है. सो इन हाउ मेनी वेज दीज फाइव बॉयज कैन बी अरेंज
at these five places that I have identified for them, 5 factorial, and to multiply. Ab ladke baith gaye, hai na? So maan lo main yahan likh deta hu, hai na? There is Ram, then there is Shyam, then there is Ghanshyam, and then say there is Mohan, and they say there is Rohan also, hai na? Wo baith gaye. Rohan ko RO likh deta hu. Ab bache hue 5 jagahon pe ladkiyon ko baithana hai. To ladkiyon ko bulaya. मैंने बोला देखो बॉयज ने तो अपनी सीट ले ली अब आप जाके बैठो जहां पे आपको बैठना है तो देयर आर फाइव प्लेसेस फॉर द गर्ल्स आइडेंटिफाइड एंड दे कैन सिट इन दीस फाइव प्लेसेस हाउ मेनी वेज फाइव फैक्टोरियल वेज तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फाइव फैक्टोरियल इनटू फाइव फैक्टोरियल पर इज दिस द ओनली केस दैट इज पॉसिबल नहीं एक और केस हो सकता है कि बॉयज और गर्ल को बुलाने से पहले जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि कहां पे बॉय बैठेगा और कहां पे गर्ल बैठेगा आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस दैट आई हैड मेंशनड तो जहां पे मैं ये सोच रहा था कि कहां पे बॉय बैठेंगे और कहां पे गर्ल बैठेंगे दिस कैन ऑल्सो बी द सिनेरियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पहली जगह पे गर्ल को बैठाऊं फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय सो दिस इज ऑल्सो सिनेरियो दैट इज पॉसिबल कि मैं बॉय से शुरुआत ना करके ऑल्टरनेट बैठाने के लिए पहले गर्ल को बैठाऊं फिर गर्ल बॉय गर्ल कर दूं तो बताइए अब ये भी तो वही चीज है सर आपने जब एक बार आइडेंटिफाई कर दिया तो 5 जगह है गर्ल्स के लिए 5 जगह है बॉयज के लिए जब आप 5 बॉयज को बुलाओगे तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं अपनी इन जगहों पे 5 आइडेंटिफाइड जगहों पे और जो 5 लड़कियां हैं वो अपनी आइडेंटिफाइड जगहों पे कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं 5 फैक्टोरियल 10 टू 5 फैक्टोरियल पर ये तो दो सिनेरियोज हैं आपस में किससे कनेक्टेड है और से तो इसका आंसर और इसका आंसर ऐड होगा तो व्हाट इज द फाइनल आंसर द फाइनल आंसर वुड बी 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर दिस इज 2 * 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर है ना मेक अ नोट ऑफ दिस सो ऑल्टरनेट रखने के लिए हमने केसेस बनाए और केसेस के दो केसेस बने और फिर हर दोनों केसेस का आंसर फॉर्चुनेटली सेम आया पर क्या मैं इसको और तेजी से सोच सकता था हाँ आई कुड हैव थॉट इट इन अ मच मोर रिफाइंड वे ऑल्सो है ना याद है ना ये रिफाइनमेंट आपको धीरे धीरे आएगा ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन में आपके दिमाग में रिफाइनमेंट आ जाएगा तो मैं देखा 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं तो या तो बॉय गर्ल होगा एंड सो ऑन या गर्ल बॉय गर्ल बॉय होगा तो पहली जगह पे या तो बॉय बैठ सकता है या गर्ल बैठ सकता है तो मैंने बोला पहली जगह पे दो तरीके हैं इधर आई स्टार्ट विद बॉय और आई स्टार्ट विद गर्ल तो दिस टू इज फॉर द टू केसेस एंड उसके बाद हर सिनेरियो में 5 स्पेसेस बॉयज के लिए प्रिजर्व होंगी और 5 स्पेसेस गर्ल्स के लिए तो फाइनली यू कैन से 2 * 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर पर दिस थॉट प्रोसेस कैन ओनली बी पॉसिबल इन फ्लैशबैक है ना कि आप जब रियल तरीका जो इससे पहले हमने किया था वो समझ जाओ तो फ्यूचर के केसेस में आप इस तरह कर सकते हो कि पहली जगह के लिए दो ऑप्शन है या तो मैं बॉय को बैठाऊं या गर्ल को तो टू उसका एंड फिर जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि व्हाट इज देयर ऑर्डर एट विच प्लेसेस द बॉयज वुड सिट एंड एट विच प्लेसेस द गर्ल्स वुड सिट तो 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ठीक है सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सिनेरियो है ना तो आई एम रेजिंग दिस सो लेट अस टेक द नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या है ना 12th सो वी हैव सीन एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पर एक लास्ट सिनेरियो भी देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसको हाईलाइट करना नो टू गर्ल्स आर टुगेदर पहले तो समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है पता है टोटल मिला के गर्ल्स कितने 5 मैंने बोला 5 बॉयज 5 गर्ल्स को आपको रो में अरेंज करना है सच दैट नो टू गर्ल्स कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकती तो कोई भी दो लड़कियां साथ में बैठने नहीं बैठ सकती मतलब 3 भी नहीं बैठ सकती और 4 तो एकदम ही नहीं बैठ सकती कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए मतलब लड़कियों ने बोला कि सर हम तो साथ में नहीं बैठेंगे हम तो अलग अलग बैठेंगे बीच में बॉय को बैठाना ही बैठाना है तो याद रखना जब भी इस तरह के सिनेरियो हो तो हम गैप मेथड लगाते हैं तो इस क्वेश्चन ने आपको दो मेथड सिखाए हैं पहला क्या था स्ट्रिंग मेथड अब क्या सीख रहे हैं गैप मेथड नाउ लेट अस सी व्हाट इज द गैप मेथड गैप मेथड ये कहता है कि अगर कुछ सिलेक्टेड लोगों को आपको साथ में नहीं रखना है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर तो आप गैप मेथड लगाते हो है ना अब बिफोर आई टेल यू व्हाट इज द गैप मेथड कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो क्वेश्चन पुराना वाला ही है ऑल्टरनेट वाला नहीं मैं आपको एक सिनेरियो करके दिखाता हूँ देखिए यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर बट द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर देखो गर्ल्स यहां है सो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर बॉय साथ में हो सकते हैं पर गर्ल्स साथ में नहीं होंगे तो इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज द सेम सिनेरियो कि गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्टरनेट हाँ वो भी काउंट होंगे क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज जब ऑल्टरनेट होते हैं तो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर पर ये सिनेरियोज भी तो काउंट होंगे सो ये याद रखना दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन तो जब भी आपको
कुछ सिलेक्ट लोगों को साथ में नहीं रखना होता है, तो हम क्या करते हैं बताइए, यहाँ पे नखड़े किसके, गर्ल्स के, तो आप क्या करते हो, जिनके नखड़े नहीं है उन्हें बुला लेते हो पहले, थोड़ा अलग है इसलिए ध्यान सुनना। गर्ल्स हैड अ कंडीशन दैट वी शुड, नन ऑफ अस, नो टू गर्ल्स शुड बी सिटिंग टुगेदर, तो मैंने बोला बॉयज को बोला तुम पहले तुम आ जाओ, है ना, और बॉयज को बोला अरेंज कर लो अपने आप को जितनी भी तरीके से पॉसिबल है, पर अपने अपने बीच में थोड़ी सी वन हैंड डिस्टेंस छोड़ देना क्योंकि बीच में गर्ल्स को भी आना है। तो अभी तो 5 बॉयज ही आए हैं और उन्हीं को अरेंज करना है, गर्ल्स तो भी है ही नहीं, और मैंने कोई प्लेसेस व्लेसेस आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने बस बोला बॉयज आ जाओ और अपने आप को रो में अरेंज कर लो, है ना। तो बताओ 5 बॉयज कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में। मैं आपके सामने एक सिनेरियो लिख रहा हूं, बस मैंने उनको एडिशनल कंडीशन दी थी कि अपने अपने बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना क्योंकि गर्ल्स को भी आना है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 बॉयज, ठीक है। अब इनके बीच में देखो स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, कैन यू सी बिटवीन एंड आफ्टर दीज 5 बॉयज, बिटवीन एंड बिफोर एंड आफ्टर दीज 5 बॉयज देर आर हाउ मेनी प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो देर आर टोटल ऑफ 6 प्लेसेस दैट आर अवेलेबल। अब आप शायद समझ चुके होंगे पर ध्यान सुनना, इन 6 जगहों पे गर्ल्स को आना है, एक ही गर्ल को, क्यों, क्योंकि इन्हीं जगहों पे गर्ल्स आ सकती हैं, क्योंकि अगर 2 गर्ल्स साथ में ना हो तो उनके बीच में कहीं ना कहीं तो बॉय आना ही है। सो दीज आर द प्लेसेस फॉर द गर्ल्स, ठीक है। अब मैंने 5 बॉयज को तो अरेंज कर लिया, ये मेरा आंसर आ चुका है 5 फैक्टर इनटू, एंड अब मैंने गर्ल्स को बुलाया, पहली गर्ल को बुलाया, किसी भी पहली गर्ल को बुलाया और मैंने बोला जाओ बैठ जाओ जहां तुम्हें बैठना है। तो फॉर द फर्स्ट गर्ल हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6, तो दैट 6 ऑप्शंस अवेलेबल। सो मान लीजिए पहली गर्ल के लिए, गर्ल नंबर 1 के लिए, है ना, तो मान लीजिए वो गर्ल नंबर 1 आके यहां बैठ गई, एंड अब मैं सेकंड गर्ल को बुलाऊंगा, बताओ सेकंड गर्ल के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 5, क्योंकि एक जगह जा चुकी है, सो इनटू 5, मान लो यहां आके बैठ गई, एंड अगली के लिए 4, मान लो यहां आके बैठ गई गर्ल नंबर 3, और गर्ल नंबर 4 यहां आके बैठ गई, उसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, 3, और फिर आई 4 गर्ल्स हो गई, 5वीं गर्ल, मतलब 5वीं गर्ल के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल, 1 या 2, इनटू 2, मान लो यहां आके बैठ गई, देखो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर क्योंकि उनके बीच में कहीं ना कहीं बॉयज भी हैं। सर ये जगह खाली रह गई तो छोड़ दो ना, हटा दो इसको, तो इसका मतलब बॉय 4 एंड बॉय 5 आर टुगेदर, कोई बात नहीं, बॉयज कैन बी टुगेदर बट द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, एंड दिस इज द अरेंजमेंट दैट हैज हैपेंड। देखो 10 लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग आ गए, सो दिस इज योर आंसर। सो योर आंसर वुड बी व्हाट, 5 फैक्टोरियल इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2, लकीली 1 नहीं है, पर आप लोगों को मालूम है अगर मैं 1 ऐड कर भी दूं सिर्फ कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए तो ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। सो द आइडली योर आंसर इज दिस, है ना, मेक अ नोट ऑफ दिस, बट जस्ट फॉर राइटिंग पर्पसेस मैं 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल लिख भी दूंगा तभी कुछ गलती तो नहीं होगी, कि इनटू 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैथमेटिकली, पर कंसेप्चुअली इनटू 1 नहीं होगा क्योंकि 5 ही गर्ल्स थी, 1 2 3 4 5, और उन्हीं के ऑप्शंस लिखे हैं आपने, है ना। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड 12 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन का बेसिक्स है एक तरीके से, है ना। ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट वुड फॉलो वुड बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द सिनेरियोस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, है ना, इसके आगे ही हम बढ़ेंगे, पर लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोस वी हैव डिस्कस्ड हियर, और कौन से 2 सिनेरियोस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए, जो 2 चीजें आपने बहुत नहीं सीखी हैं इस मेथड में, वो है स्ट्रिंग मेथड जब साथ में रखना हो, और गैप मेथड जब आपको 2 लोगों को साथ में एकदम ही न रखना हो। एंड ऑब्वियसली वी हैव अप्लाइड द फॉर्मुला, n distinct people can be arranged in a row in how many ways, n factorial ways, so make a note of this question, very important, highlighted in your notes। ab hum kuch regular questions karte hain so that this concept of permutation becomes easy। yaad rakhna hum in is lecture mein specifically row arrangement dekh rahe hain, aur row arrangement mein bhi wahi scenarios dekh rahe hain jahan pe objects are distinct। aage ke lectures mein hum dekhenge jab objects alike ho jate hain to kya hota hai, par abhi hamara objective sirf ye hai arrangement of objects and the objects are distinct, you know? So I'm erasing this, make a note of this। So the next question is, yaar na ab question mein itna dam nahi hoga jitna pichle wale question mein tha, but we have to do some scenarios, like find number of permutations, find number of permutations, permutation matlab arrangement of letters of the word, what is the word, table। to aap dekhte ho table ke andar there are 1 2 3 4 5, there are 5 letters that are there,
कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो आपको सारे लेटर्स को अरेंज करना है. बताइए फाइव लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज. 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर डिस्टिंक्ट. सो दे कैन बी अरेंज इन 5 इट ऑल वेज. द आंसर वुड बी 120. सो आई गेस नाउ आपको रियलाइज हो चुका होगा, अब तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मुला ओरिएंटेड चल रहा है सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट ऑफ सिनेरियो, है ना. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits. So what are the digits that we have? 1, 2, 3, 4, and 5. So how many three digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5? है ना, इसमें mentioned नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ. पहले दो scenarios discuss करते हैं. पहला repetition allowed और रिपीटेशन नॉट अलाउड. याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो जनरली रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, पर थोड़ा सा आप लॉजिक जरूर अप्लाई कीजिएगा एंड यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर, है ना. इफ यू आर नॉट गेटिंग एन आंसर कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, इट इज ऑलवेज नॉट अलाउड. अब देखो यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है रिपीटेशन इज अलाउड. सो हमें थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है तो 1, 2, 3 दिस इज द यूनिट्स प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, इन द हंड्रेड्स प्लेस. अब रिपीटेशन इज अलाउड मतलब कोई नंबर दो बार आ सकता है, कोई डिजिट दो बार आ सकता है, पर क्योंकि मुझे इवन बनाना है, इवन मतलब इवन नंबर किससे एंड होगा. फॉर अ इवन नंबर टू बी फॉर्म्ड इट शुड इधर एंड विद अ 2 और अ 4, क्योंकि 1, 3, 5 तो ऑड है. तो बताइए फॉर फिलिंग दिस 10 यूनिट्स प्लेस, फॉर फिलिंग दिस यूनिट्स प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? 2. आई एम जस्ट राइटिंग द ऑप्शंस अवेलेबल 2 एंड 4. सिंस रिपीटेशन अलाउड तो किसी को कैंसिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि भाई वो दो नंबर दोबारा आ सकता है. तो देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल एंड बताइए अब टेंथ प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? अब तो कुछ भी भर दो, रिपीटेशन इज अलाउड, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट ऑटो पिक्चर नहीं गया. सो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन यहाँ एंड यहाँ भी अगेन 5 ऑप्शन. सो द आंसर वुड बी 5 × 5 × 2 विच इज 50 वेज या 50 नंबर्स. लेट अस टेक द नेक्स्ट केस जहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. आर एन ए भी कहते हैं इसको ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड. ऐसा आर ए भी कहते हैं रिपीटेशन इज अलाउड. सो 1, 2, 3 है ना, यू हैव 3 प्लेसेस. This is the units place, the tens place and the hundreds place. वापस से repetition is not allowed, पर है even तो बनाना ही है हमें. तो even बनाने के लिए सबसे पहला नखड़ा तो units place का ही है, याद रखना. जिसके नखड़े होता है, जिस condition का नखड़ा होता है, generally उसमें पहले satisfy करवा देते हैं, है ना. तो the condition को satisfy कराना बहुत जरूरी है. तो units place की condition है कि उसको 2 और 4 से ही fill होना है, क्योंकि मुझे even number बनाना है और even number 2 और 4 से ही end होता. मान लीजिए question में odd होता तो 1, 3, 5 से end करवाते. So 2 और 4 से end करवाना है. तो यहाँ पे 2 options available है. 2, 4 मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया तो 2 इज आउट ऑफ पिक्चर बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. या मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया तो 4 वुड बी आउट ऑफ पिक्चर क्योंकि 4 दोबारा नहीं आ सकता, है ना. सो बताइए नेक्स्ट प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? अब तो कोई भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन. एंड मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, मान लेते हैं 5 लिख दिया तो 5 हट गया. अब कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 1, 2, 3 क्योंकि 2 तो आ ही सकता है ना. तो देर आर 3 ऑप्शन अवेलेबल. तो फाइनली आंसर क्या होगा? 3 × 4 × 2 3 × 4 = 12 4 × 2 = 24. सो मेक अ नोट ऑफ दिस. अब तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं बट वी नीड टू कम्प्लीट दैम ऑल्सो सो दैट वी आर अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स इन विच अ क्वेश्चन ऑन परम्यूटेशन कैन कम, है ना. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस. जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का क्वेश्चन है, वैसे ही वर्ड्स के अंदर लेटर्स के अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो सकता है और नंबर्स के अंदर डिजिट्स के अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो सकता है. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है find in how many ways, find in how many ways 6 flags of different colors, 6 flags of different colors can be used to form a signal containing 4 flags in a row. So, हमारे पास मान लीजिए 6 flags हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flags हैं ना, और they are all different color. This is red, green, yellow, vibgyor, black, and say blue.
दीज आर द सिक्स डिफरेंट फ्लैग्स दैट आर अवेलेबल. अब तुम्हें इन्हें यूज करके एक सिग्नल बनाना है. उस सिग्नल में कितने फ्लैग्स आपको यूज करने हैं? फोर फ्लैग्स. दिस इज ऑल्सो मैंशन फोर फ्लैग्स बनाना है. दीज आर द फोर प्लेसेस फॉर प्लेसिंग द फ्लैग्स. तो सिंपली पहले इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग से करते हैं. बताइए पहली जगह पे प्लेस करने के लिए कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? सिक्स. इंटू अगली जगह पे फाइव. इंटू अगली जगह पे फोर. और इंटू अगली जगह पे थ्री. तो द आंसर वुड बी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू. तो द आंसर वुड बी फाइव इंटू फोर इंटू सॉरी द आंसर वुड बी सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री. सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री. क्या इसमें सिक्स फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या हम इसको सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और जितने से मल्टीप्लाई किया टू इंटू वन मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दूं? तो दिस कैन बी रिटन एज सिक्स फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? नाउ यू शुड मेक अ नोट ऑफ दिस. दिस इज योर आंसर है ना. यू कैन इवेलुएट दिस एंड से सिक्स इंटू फाइव इज थर्टी है ना. एंड थर्टी इंटू फोर इज वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी इंटू थ्री इज थ्री सिक्सटी. सो यू कैन फेयरली राइट योर आंसर. द आंसर वुड बी थ्री सिक्सटी. But you can also write your answer in this way, 6 factorial upon 2 factorial, or you should make a note here, star mark karane, इसे बोलते हैं 6p, मतलब छह ऑब्जेक्ट्स थे और कितनी जगह पे अरेंज करें हमने? चार जगह पे. इसको 6p4 भी कहते हैं. क्या होता है 6p4? मैं यहाँ लिख रहा हूँ. कभी भी npr लिखा हो तो उसका मतलब होता है n factorial upon n minus r factorial. तो बताइए 6p4 लिखा है तो n की जगह 6 है तो 6 factorial. What is 6 minus 4? This would reverse as 6 factorial upon 6 minus 4 factorial, which is 6 factorial by 2 factorial. Same चीज़ आ गई. तो इस क्वेश्चन में जो हमने एक नया मेथडोलॉजी देखा लिखने का, उसे मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ एज अ हैशटैग. शुड आई रेज दिस? है ना. सो व्हाट डिड वी सी? कि हमारा आंसर तो आ चुका था, पर जस्ट फॉर द राइटिंग पर्पजेस, याद रहा, जस्ट फॉर द राइटिंग पर्पज, कंसेप्ट नहीं है. इसको 6 फैक्टोरियल बाय 4, इसको 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जो कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल है. ठीक है. तो बताइए यहां पर क्या अलग था जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं हो रहा था? यहां पर ऑब्जेक्ट थे तो छे, पर उनको अरेंज कितनों करना था? सिर्फ चार को. छे में से चार ही लोगों को अरेंज करना था, सबको नहीं करना था. तो हम इस फॉर्मूला लिख देते हैं इसके आगे. एंड दिस वुड बी द सेकंड फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? है ना, यू कुड सर्टेनली अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला स्पेसिफिकली दिस वन. इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. एंड व्हाट इज दैट? इफ आउट ऑफ n distinct objects, you know, r have to be arranged. सबको नहीं करना. Obviously जहाँ r जो होगा n से छोटा होगा ना, क्योंकि r सबको नहीं करना, n में से कुछ भी लोगों को करना है. Have to be arranged in a row. तो number of ways क्या होंगे? n p r. P stands for permutation. इसका formula क्या होता है? n factorial upon n minus r factorial. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था? कितने लोग थे? देयर वर सिक्स फ्लैग्स. एंड उनमें से अरेंज कितनों को करना था? सिर्फ फोर फ्लैग्स को सिग्नल बनाने के लिए. तो हमारा आंसर सिंपली 6p4 भी लिख सकते थे हम. व्हाट इज 6p4 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, व्हिच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. वो वही चीज आ जाएगी 360. ठीक है. सो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. जनरली वी रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला बिकॉज सिंपली हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करके जैसे हमने निकाला आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं. ठीक है. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो अगला क्वेश्चन है लेकिन इन हाउ मेनी वेज 3 मेन कैन स्टे इन अ होटल रूम इफ 8 रूम्स आर अवेलेबल. अब थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, उसमें रिमूव कर देता हूं दो केसेस बनाकर. पहला ईच पहला केस है नो टू मेन कैन शेयर द रूम. मतलब हर मेन अलग अलग रूम में है ना. एंड शेयरिंग इज पॉसिबल, शेयरिंग इज अलाउड. बताइए पहले वाले का आंसर क्या होगा? सिंपली है, बताइए कितने रूम्स अवेलेबल हैं? 8 रूम्स. और कितने लोग हैं? 8. तो मान लीजिए पहले वाले व्यक्ति से पूछा है ना, फर्स्ट मैन, ये दीज आर द 3 मैन है ना, नाम दे देते हैं राम श्याम घनश्याम, हमारे स्टैंडर्ड नेम्स हैं. तो राम को मैंने बोला यू कैनॉट शेयर द रूम, सिलेक्ट अ रूम.
सो फॉर राम देर विल बी एट ऑप्शन अवेलेबल, वन ऑफ द रूम्स, कोई सा भी एक रूम ले लेगा वो, एंड है ना, अब जो जो रूम शाम ने ले लिया वो रूम आप कोई और नहीं ले सकता. सो आउट ऑफ द एट रूम्स नाउ ओनली सेवन रूम्स आर अवेलेबल, तो शाम के पास सेवन ऑप्शन होंगे और इसी तरह सिक्स, तो आंसर वुड बी एट इंटू सेवन इंटू सिक्स. नाउ दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. एक और तरीका क्या हो सकता था सोचने का, एंड यू कैन गेट द आंसर ऑल्सो फ्रॉम डूइंग दिस. पर एक और तरीका क्या हो सकता था, एट रूम्स हैं, एट रूम्स में से तीन रूम्स मुझे सिलेक्ट करने और उनमें राम श्याम घनश्याम को अरेंज करना है, तो एक तरीके से मैं ये भी लिख सकता था आंसर इज एट पी थ्री, जो कि होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो जैसे मैंने कहा था दिस इज जस्ट अ वे यू शुड रिमेंबर इट, कैलकुलेशन ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, कैलकुलेशन क्या हो रही है उसको अपने आंसर के साथ मैच करवा सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 आता है कि नहीं आता, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट इज 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, सो व्हाट इज दिस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएंगे और वापस वही आंसर आ जाएगा. आप तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग से करना, यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड रैदर देन अप्लाइंग दिस 8p3 फॉर्मूला. पहली जगह के पहले राम के लिए 8 ऑप्शंस थे आउट ऑफ ऑल दी 8 रूम्स अवेलेबल, क्योंकि कोई भी सारे अनऑक्यूपाइड थे, तो राम हैड 8 ऑप्शन, मान लीजिए राम ने एक ऑक्यूपाई कर लिया, तो अगले वाले शाम के पास हाउ मेनी ऑप्शंस वर अवेलेबल, 7, एंड देन घनश्याम हैड हाउ मेनी अवेलेबल, 6. अब मान लो मैं कहूँ शेयरिंग इज अलाउड, व्हाट डू मीन बाय शेयरिंग इज अलाउड, कि एक रूम में तीनों बैठ सकते हैं, है ना, तीनों भी एक ही रूम में रह सकते हैं. सो बताइए मान लो दीज आर द रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6, रूम 7, रूम 8. सो मैंने राम से पूछा बताओ कौन से रूम में रहना है, तो ही हैज 8 ऑप्शंस, एंड मान लो राम इसमें आके बैठ गया इसमें, पर अगर राम इसमें आ चुका है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब शाम नहीं आ सकता, बिकॉज दे कैन शेयर, तो शाम ऑल्सो हैज 8 ऑप्शन, एंड सिमिलरली घनश्याम कैन ऑल्सो हैज 8 ऑप्शन, तो आंसर होगी 8 क्यूब, है ना. सो मेक अ नोट ऑफ दिस, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. So student, let us move to the next question. So देखते हैं next question क्या है. Next question है, so the next question is how many four digit numbers can be made using digits 1, 2, 3, 4, and 5 where repetition not allowed. तो सिंपल है, तो बहुत है ना, तो फोर डिजिट नंबर है 1, 2, 3, 4, कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन, 4, 3, 2, सो आंसर होगा 5 × 4 × 3 × 2. पर इसे हम NPR वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कैसे, देर आर 5 ऑप्शंस, 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, पर देर आर ओनली 4 प्लेसेस अवेलेबल, है ना, तो 5p4 भी लिख सकते हैं, जो कि सॉल्व करने पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाता, है ना, विच इज व्हाट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल, पर आप देख सकते हो ये भी तो 5 फैक्टोरियल ही है. So both the answers are right. You can write this also 5 × 4 × 3 × 2. Calculate कर सकते हो 5 × 4 = 20 होगा और 3 × 2 = 6 होगा, 120 आंसर आ जाएगा, या 5 ये भी 120 आएगा और ये भी कैलकुलेट करने में 120 ही आ जाएगा, है ना. तो let us take the next question. देखते हैं next question क्या है ना, तो अब तो fairly easy questions हैं. जो बॉयज एंड गर्ल्स का हमने क्वेश्चन किया था दैट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी ट्रिकी, उसमें आपने जो दो नए कंसेप्ट सीखे थे, अब तो दे आर वेरी रेगुलर क्वेश्चंस, और बस हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक तरीके से पता चल जाए किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना. सो लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड लेक्चर. सो हाउ मेनी फाइव डिजिट ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव Can be made. So, कुछ भी डिजिट विजिट्स के बारे में नहीं कह रखा है भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास कितने फाइव डिजिट ऑड नंबर्स बन सकते हैं, ना. So, what is the highlight of this question? You have to find odd numbers, है ना, और फाइव डिजिट होने चाहिए. तो फाइव डिजिट में कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो फाइव डिजिट है और वो ऑड होना चाहिए और डिविजिबल बाय फाइव भी होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाय फाइव भी होना चाहिए. बताइए for a divisibility of 5, the number should end with either a 0 or a 5. पर 0 से एंड हो जाएगा तो even हो जाएगा. तो odd होने के लिए क्या जरूरी है, that it should end with a 5 only.
सो यहाँ लास्ट पोजिशन पर ओनली एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, फाइव है ना. सो फाइव को मैं सर्कल में डाल के फाइव लिख देता हूँ. सो देर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज फाइव. और बाकी जगहों पर लेट्स सी. सो एट द लास्ट पोजिशन फॉर इट टू बी ऑड एंड टू बी डिविजिबल बाई फाइव, इट शुड एंड विद अ फाइव, द ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल. अब आते हैं हम लोग लास्ट ये पहली जगह पे, एंड दिस इज द यूनिट्स प्लेस, द टेंस प्लेस, द हंड्रेड प्लेस, द थाउजेंड प्लेस एंड द टेन थाउजेंड प्लेस. टेन थाउजेंड प्लेस पे आते हैं. यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता. बताओ जीरो क्यों नहीं आ सकता? जीरो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर जीरो आ गया फर्स्ट प्लेस पे तो वो फाइव डिजिट बनेगा ही नहीं, वो तो फोर डिजिट का बन जाएगा. सिंस जीरो कैन नॉट कम हियर एंड एनी ऑफ द अदर डिजिट्स कैन कम, एंड ये कह ही रखा कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, तो थोड़ा लॉजिकली सोचो हाउ मेनी फाइव डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म. तो नंबर्स में रिपीटेशन तो होता ही है, तो हाउ मेनी ऑड, तो यहाँ पे कितने अवेलेबल होंगे? सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स आ सकते हैं, तो नाइन डिजिट्स हियर आ सकते हैं. रिपीटेशन अलाउड है एक तरीके से ना, दिस इज अ केस ऑफ रिपीटेशन अलाउड, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उनमें रिपीटेशन तो होता ही है. कहीं ये थोड़ा बोला है कि इन्हीं नंबर से बनाना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है. उन्होंने बोला कितने फाइव डिजिट नंबर बन सकते हैं जो ऑड भी हैं और डिविजिबल बाय फाइव भी हैं, तो रिपीटेशन अलाउड है एक तरीके से. यहाँ पे एक ऑप्शन इसलिए था क्योंकि सिर्फ फाइव आ सकता है, यहाँ पर नाइन ऑप्शन इसलिए क्योंकि जीरो नहीं आ सकता. और हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं? दस, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. तो यहाँ पे नौ ऑप्शन इसलिए थे क्योंकि जीरो नहीं आ सकता. बाकी यहाँ पे कितने ऑप्शन हुए? दस, यहाँ पे भी दस और यहाँ पे भी दस. सो द आंसर वुड बी नाइन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू वन, है ना. तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा? है ना, नाइन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू वन, दिस वुड बी 9000. सो देयर विल बी 9000 नंबर्स ऑफ फाइव डिजिट्स, है ना, जो कि ऑड भी होंगे एंड दे विल बी डिविजिबल बाय फाइव, है ना. सो आई एंड माई लेक्चर हियर, बट बिफोर दैट आई विल समराइज कि हमने क्या पढ़ा. हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखा फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स का, जहाँ पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे, दैट वाज द गैप मेथड एंड द स्ट्रिंग मेथड. स्ट्रिंग मेथड तब लगता है जब सिलेक्ट लोगों को हमें साथ में रखना है, और गैप मेथड तब लगता है जब सिलेक्ट लोगों को कोई भी दो आपस में साथ में नहीं हो सकते. एंड इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सीन क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. याद रखना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैव टू बी अरेंज्ड इन अ रो, और रो अरेंजमेंट को ही कवर अप किया हमने, है ना. ऐसा आगे चलकर होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ऐसा भी होगा जो कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. वेयर वी विल सी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन फ्यू बिकम अलाइक. पर अभी इस लेक्चर में तो हमने स्पेसिफिकली देखा है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना. और हमने दो कॉन्सेप्ट्स के पढ़े, गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड. और दो फॉर्मुलेज भी हमने पढ़े जो हम यूज कर सकते हैं. वो फॉर्मूले क्या है? एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? एन फैक्टोरियल वेज. यू कैन मेक अ समरी. एक फॉर्मूला हमने ये वाला देखा इस लेक्चर में, और एक और क्या देखा? आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना. ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी सीखा तो है हमने इसमें. आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कैन बी अरेंज्ड, सब नहीं करने, कुछ ही लोगों करना है, आर को अरेंज करना है, अरेंज इन अ रो. वापस रो अरेंजमेंट ही है. In how many ways? N P R ways, where N P R का formula होता है N factorial, N minus R factorial. ठीक है? So I'll end my lecture here. So if I take a summary of what we have seen in the first lecture and second lecture, मैं principle of mathematical counting खत्म कर दिया और basic permutation भी खत्म कर दिया, जहाँ पे हमने arrangement of objects in a row देखा है, where the objects are distinct. So in the next lecture that would follow, we'll see permutation of objects when objects become alike. और जब लोग alike हो जाते हैं तो किस तरह हमारे परम्यूटेशन पे फर्क पड़ता है, दैट इज वन थिंग दैट वील सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑल्सो विल बी हैव टू सी सर्कुलर अरेंजमेंट्स, कि रो के बजाय अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाए तो हम कैसे लोगों को अरेंज कर सकते हैं, है ना. एंड देन वील फॉलो बाय सम स्टैंडर्ड वेल नोन क्वेश्चंस दैट कम. एक डिक्शनरी क्वेश्चन है, इफ मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर, अगर उन लोगों ने कभी भी आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हल्का से भी पढ़ने की कोशिश की हो, एक डिक्शनरी क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस होते हैं परम्यूटेशन पे. वील टेक दैट ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आई स्टॉप माई लेक्चर हियर.